Hello students, let us understand the following question. The value of k for which the system of equations x plus 2y plus 7 equal to 0 and 2x plus ky plus 14 equal to 0 will have infinitely many solutions. So let's see given information in this question. So make a pair of linear equation x plus 2y plus 7 is equal to 0. This is equation number 1 and another equation is टू एक्स प्लस के वाई प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड सो लेट्स सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन तो यदि हम यहाँ पे इन इक्वेशंस को देखें तो एक्चुअली यहाँ पे बता रखा है कि पेयर ऑफ इक्वेशन इन्फाइनेटली मैंने सॉल्यूशन रखते हैं तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो so, हमें इन गिवन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होगा तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिनर इक्वेशन विचार ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस में सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस में सी टू इज इक्वल टू जीरो तो रिस्पेक्टिवली है ना अब हमने क्या करना है यदि इस इक्वेशन को इक्वेशन वन से कंपेयर करेंगे ए वन इज इक्वल टू वन मिल जाएगा बी वन के प्लेस पे टू दिख रहा है और सी वन के प्लेस पे सेवन नजर आ रहा है ए टू के प्लेस पे कितना दिख रहा है टू बी टू के प्लेस पे हमें के दिख रहा है एंड सी टू के प्लेस पे फोर्टीन नजर आ रहा है ओके okay, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन ने कह रहा है कि पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तो उसकी कंडीशन क्या है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो अब यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर रिस्पेक्टिव वैल्यूज हमें पुट करनी होगी तो ए वन की वैल्यू क्या है वन तो यहाँ पर रख दिया वन ए टू का वैल्यू है टू इज इक्वल टू बी वन का वैल्यू कितना है टू और बी टू का वैल्यू है कितना की सी वन का वैल्यू है सेवन और सी टू का वैल्यू कितना है फोर्टीन तो देखिए यहाँ से हमने सेवन से फोर्टीन कैंसिल किया तो वन अपॉइंट टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा सो इम्प्लाइज दैट वन अपॉइंट टू इज इक्वल टू टू अपॉन के हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया तो के की कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में फोर अब यदि इस आ, एक टर्म को भी हम क्या करते हैं वन बाई टू के इक्वल रख रहे तो आंसर के इज इक्वल टू फोर ही आना है ना यहाँ पर हम फाइनल आंसर नोट कर लेते हैं सो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू फोर सो लेट सी चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट यदि हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है सो so, इसे हम फाइनल आंसर में इंक्लूड कर देंगे हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आई होप यू अंडरस्टूड बाई दिस सोल्यूशन थैंक यू